अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं हम सब ठीक ठाक होंगे, हैर ऑफियस से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए, अपने गिर मामलों का खास ख्याल रखा जाए। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बनाया तो थोड़ा सा मैंने निकाली थी अपने लिए। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, नॉर्मल आपने कस्टर्ड बना देना, उसके अंदर सवैयाँ ऐड कर देंगे तो इससे ये क्या होगा, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको निकाल के मैं थोड़ा रखूँगी अपने लिए ताकि ठंडा हो जाए, फिर इसको हम नोश फरमाएंगे। आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह मुझे लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट करते रहा करें, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों में दिल करता है कुछ नहीं, बहुत कुछ खाने का, तो आप बनाएँ और खाएँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें करें। इसी तरह वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग में आप सबको, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं। इसको रख लेते हैं, इसको हम ढक के रख लेंगे। ये जाली बहुत अच्छी है, आप भी बाय कर सकते हैं, इजी आपको मिल जाएगी। सेट फीस की प्राइस लिखी है 160 की। इससे ये होता है कि आप इसको जितनी देर बाय रखें इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी और ये आपका सबसे ज़्यादा मज़ेदार, जब दूध जो भी आप रखते हैं शाम में वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो आप आराम से फ्रीज़र में रख लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं ठंडा होने के लिए जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगी आटा गूंदने का तरीका, क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो होता है आटा कैसे गूंदें। बहुत हमें मुश्किल पेश आती है, मुझे भी बहुत होती थी पहले, पर अब मैंने जब गूंदा तो मुझे तरीका समझ आया, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। सबसे पहले आपने आटे को अच्छे से छान लेना है, अपने हाथों को, प्यारे प्यारे हाथों को अपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने आटे को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स को होता है वो होता है आटा कैसे गूंदे, थक जाती हैं, हमें बहुत गुस्सा होता है, हाथ आपके चिपचिप हो जाते हैं, तो आपको बड़ा मसला होता है। तो आज इस तरीके से आप आटा गूंदे, आपका आटा जल्दी भी गूंद जाएगा और आपका मसला भी नहीं होगा। सबसे पहले इस आटे को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी ले लेना है, इसके ऊपर मैं डालूँगी पानी, वाटर हम इसके ऊपर ऐड करते जाएँगे। आपने बहुत सारा पानी नहीं पहले ऐड करना, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड करते जाएँगे। इतना पानी आपने ऐड करना है पहले, फिर इसको आपने हैंड की मदद से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो स्पून की मदद से मिक्स कर सकती हैं, अगर आपको दिल चाह रहा है कि आप हाथ आपके ख़राब हो जाएंगे, नेल्स आपके टूट जाएंगे, तो आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं, पर हम हाथ करें स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, पर मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, क्योंकि आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप इस तरह से गूंदिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने एक हाथ में मोबाइल को पकड़ा हुआ, मुझे मसला हो रहा है, इसलिए मुझे हाथों को अच्छे से साफ करके ठीक करना पड़ेगा। जब इस शेप में आटा हो जाए तो और पानी डालेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ये लिक्विड फेज में आ जाएगा, तो फिर आपको आटा संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आटा गूंदने से आपको 5 से 10 मिनट में एकदम आपको गूंद जाएगा ये आटा। इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ सारे आटे को फटाफट से, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ आपने क्या करना है जी। तो फिर मिक्स करने के बाद ये इस शेप में आ चुका है। अब आपने इसको फोल्ड करना है और बड़े ही प्यार से इसको हल्का हल्का दबाना है, मुक्की लगानी है इस शेप में, और बर्तन को भी अच्छे से आपने साफ़ करना है। जितने जान डाल के आप इसको दबाएंगे उतना अच्छा आपका आटा रेडी होगा। मैं थोड़ा सा ढीला गूंदूंगी, लिक्विड करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रीज़र में इसको रखना है। अगर आपने भी फ्रीज़र में रखना है तो थोड़ा सा आपने इसको इस शेप में रखिएगा, क्योंकि फ्रीज़र में ये सख्त ना हो जाए। अब इसको जल्दी से मैं सारा मिक्स करूँगी। साइडें आपने अच्छी सी साफ़ करनी है और देख सकते हैं कितने सुगर तरीके से आटा हमारा गूंद गया, वो भी 5 मिनट में। ये जो फिर देख सकते हैं आटा मेरा कितना मुलायम और
सौंफ भुन चुका है, अब इसको हम निकाल देंगे बाउल में। आपकी मर्ज़ी है जिस चीज़ में भी निकालें, मैं इसमें निकाल रही हूँ जी। तो फिर इसको बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से ये होगा कि आपका जो आटा है वो नरम ही रहेगा, हार्ड नहीं होगा। और इसको अच्छे से आपने कवर करके फ्रीज़र में रख लेना है। अब आपको मैंने इतना ईजी तरीके से बता दिया आटा गूंदने का तरीका, तो मुझे दुआएं लाजमी दीजिएगा कि इतने ईजी तरीके से आप जल्दी से आटा गूंद सकते हैं। इसको कवर करेंगे अच्छे से, साइडें आपने अच्छे से कवर करनी है। तो इसको आप फ्रीज़र में रखेंगे। ये थी मेरा आटा गूंदने का तरीका, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा। अपने ये तमाम लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू रेसिपी और व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। आज का व्लॉग अच्छा लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू रेसिपी और व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।